अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक करके से मज़े में होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग जी बहुत स्पेशल। आप लोग कहते हैं इसका हर व्लॉग स्पेशल ही होता है, लेकिन नहीं, आज का व्लॉग सीरियसली स्पेशल है। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं जी पाकिस्तान चार साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं हम, और एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं आप सीरियसली। बाकी के आपको बाद में बताएंगे कि सरप्राइज विजिट है या वैसे ही सारों को पता है उधर, बाद में पता लगा। फिलहाल अभी घर की सफाई, सारे कह रहे हैं कि तुमने कपड़े पहन लिए, तैयार हो जल्दी से घर की सफाई करो और निकले। और टाइम जी 11:15 हो रहे हैं और हमारी फ्लाइट है जी 2:55, इधर से हमने फ्लाई करना है। बहुत लेट हो चुके हैं हम, और अभी जल्दी से मैं सफाई करता हूँ। बाकी पैकिंग शैकिंग अभी कम्प्लीट हुई है, सीरियसली अभी कम्प्लीट हुई है। रात की 2:30 बजे सोए, नींद भी नहीं पूरी। खैर व्लॉग हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ऐसा काम है। और ये भी हम निकालने लगे ट्राली बैग के लिए, और अभी आपको हम बैग से चेक करवाते हैं। अब बहुत चल रही है, आई डोंट नो कि आपको कैसे आवाज़ आ रही होगी। ये एयरपोर्ट चेक कर सकते हैं, अभी हम वो ट्राली ये भाई इसके साथ की निकाल लें। ये जी मैं अभी जी लेट भी हो चुके हैं एयरपोर्ट इधर का। अभी जी हम एयरपोर्ट में मौजूद है, चेक कर सकते हैं उधर। अभी जी आ चुके हैं यहाँ, हाथ के देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किलों के बाद आ चुके हैं इधर। और मतलब उधर से हम अक्सर जाते हैं उधर कतर और ये सारी फ्लैट हैं, लेकिन ये एंड पे हैं, देख सकते हैं ये एंड एयरपोर्ट का। उधर हाल चेक कर सकते हैं भाग के, तो टाइम भी थोड़ा था। सो ये एयरपोर्ट है जी एथेंस का, कई लोग ने देखा होगा, कई लोग ने नहीं देखा होगा। तो अभी इधर से करवाते हैं, मुझे नाम भी भूल गया क्या इसको कहते हैं। तो अभी अभी चलते हैं जी। पानी किस साइड पर है, कहाँ से? जी ये एक बैग है, बैग है ये दोनों ट्रॉलियाँ, और अभी जी लाइन में खड़े हमें पता नहीं था कितनी देर लगती है। तो अभी जी वेट करने के बाद आ गई हमारी बारी इधर, मैं आपको बैग कैमरे से दिखाता हूँ। अभी इधर लगेज हमने लेना तो फिर कंप्लीट जी हमारे बैग, और इधर हमने अभी लाइन में लगना है। अभी हम जाते हैं वेटिंग हॉल में, पता नहीं क्या आदमी जाता है, डोंट नो। मिलते हैं आपसे उधर। अभी हम आए इधर जी, कुछ खाने पीने भूख बहुत लगी हुई है, तो देखते हैं कुछ चीज़ पकड़ते हैं इधर से। क्या पकड़े हैं, एक ये पकड़ ले, ये यहाँ से वो स्कैन करेंगे और फिर अंदर। अच्छा चलो तो ना इधर से इधर से बहुत एक्साइटमेंट है, सीरियस ये चेक कर रहे हैं। 4 साल बाद जा रहे हैं पाकिस्तान। जो चेकिंग वेकिंग होती है उधर वो हो गई जी कंप्लीट।
अभी आई थिंक हमने जहाज में जाना है, तो अभी जी जेन सुकून मिला, सब कुछ कंप्लीट हो गया। और अभी इधर जी जो पैकिंग थी वो थोड़ी चेंज कर रहे हैं, चेक करें ये अपना जहाज। और वो 71 का जहाज जा रहा है, इधर लोग जी अपना वेट कर रहे हैं, और अभी देखते हैं हम थोड़ी देर तक। अभी इन्होंने मास्क में बना दिए, और अभी जस्ट कहने 5 मिनट तक वो करवा रहे हैं बोर्डिंग। अभी जब बोर्डिंग होती है तो फिर इंशाल्लाह सीधा जहाज में जा सकते, इधर खड़ा हो गया बाहर। हो गई है जी बोर्डिंग, अब जा रहे हैं जी एरोप्लेन में, चेक कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी सीधा एरोप्लेन में। अभी जी हम बैठ चुके हैं जी, चेक करें, अभी बैठ चुके हैं हम ही, और अभी आपसे आपसे मिलते हैं जी थोड़ी देर तक, भी सेट मेट हो लें फिर आपसे मिलते हैं। अभी जी हम बैठ चुके हैं जी एयरप्लेन में, इसके अंदर देखते हैं क्या है, अभी देखते हैं इसमें क्या दिया। सैनिटाइजर और मास्क, इन्होंने सैनिटाइजर और मास्क दिए हैं, इसको करते हैं जी पास। अभी जी सिम शॉट करके फिर आपसे मिलते हैं। अभी जी सब कुछ कंप्लीट है, जस्ट अब टेक ऑफ करने लगे हम एथेंस से, और दिखाते हैं आपको, चेक करें अभी टेक ऑफ करके फिर आपसे मिलते हैं। अभी जी हम फ्लाइट में, जैसा आपको पता है, और एक गलती मैं कर बैठा हूँ, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, ये जो केबल है ना, ये टाइप सी है, नहीं सॉरी आई थिंक ये टाइप सी है, पता नहीं, ये केबल जी आईफोन को नहीं लगती, 12 Pro Max इसके जो ओल्ड मॉडल है ना उनकी होती है, वो भी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन मेरे से गलती हो गई, मैं वो टाइप सी वाली ले रहा हूँ, वो इधर लगती नहीं, तो फ़ोन मेरा 50 कुछ पे मेरा फ़ोन है, तो अभी मैं वही टेंशन में पड़ा हूँ कि कैसे करना है ये सब कुछ, देखते हैं इंशाल्लाह। तो अभी लैंड हो गए, लेकिन उधर भी टाइम नहीं होना, करते हैं कुछ इसका फ़ोन का, क्योंकि बैटरी है जहाज़ की तरह पीता है बैटरी है फोन। अब वेट करते हैं खाने का, और फिर आप सकते हैं। अभी जी केबल मिल चुकी है, लेकिन ये चार्जर सब नहीं चल रहा, बाकी चल रहे हैं देख सकते हैं, वो चल रहे हैं। अभी मैं उनको कहा है कि नहीं चल रहे, तो वो कहते हैं अभी आपको फिक्स करके देते हैं। अभी खाना आ चुका है, चिकन चिकन चिकन, तो अभी इसको मकाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। नो डाउट जी खाना बहुत मज़े का, लेकिन इनकी सर्विस बहुत बेकार है खाना देने की, और मतलब बाद में आपको बताता हूँ इनकी सर्विस कैसी है। खाना जी बहुत टेस्टी है। अभी जी मैं सीट चेंज कर लिया, और अभी चाय पी रहे हैं, चेक कर सकते हैं, चाय उन्होंने दी है, खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन इनकी सर्विस नहीं इतनी ख़ास। अभी मैंने उनको कहा है कि मुझे शुगर ला के दें, उसमें डालनी है, कोई नहीं, लेकिन सही है नॉर्मल, मतलब अगर 10 तक मैं उसको रेट करता है, तो मैं कहना था 7.5 out of 10। तो अभी रह गए जी थोड़ी देर, 1.5 घंटा अबू धाबी, फिर उधर से 4 घंटे लाहौर, अभी दिखाते हैं आपको।
घंटों में और एक भी ख्याल से अभी मिल रहा है, तो अभी मेरा ख्याल है मैं सो जाऊँ क्योंकि बाद में भी फिर फ्लाइट चेंज करके पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से घर जाना है, घर जाते वक्त फिर उधर भी घंटा, फिर मेरी रूटीन ख़राब हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ अभी सो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह जब अबू धाबी लैंड करेंगे तब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो भाई अगर नींद आती है तो सो जाते हैं, अगर नहीं आती तो फिर देखते हैं। चेंजिंग करते करते हमें दूसरा जहाज मिलेगा, उधर से फिर सीधा पाकिस्तान, बहुत थकावट है। वही लैंड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इसको मैं नाइट पे करती है ताकि आपको सही नज़र आए। तो अभी इंशाल्लाह मेरे फोन की बैटरी भी लो है, तो कुछ करते हैं अगर एयरपोर्ट पे या किसी चीज़ के बोल लेते हैं या चुके हैं जी फाइनली अबू धाबी, और इधर से बस वो आती है तो फिर चलते हैं जी। फाइनली लैंड हो चुकी है अबू धाबी, तो अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है जी वो है पाकिस्तान लाहौर। ये बस है जी, इस पर भी बैठना है। अभी हम एक्सिट कर रहे हैं इधर से और दिखाते हैं हम। गाइस अबू धाबी आ चुके हैं, अभी एयरपोर्ट में हम अंदर जा रहे हैं। तो बाहर कोई इतना कोई गंदा मौसम है, जैसे आप जन्नत से निकल के ना दोजख में आ गए हो, कसम से ऐसी फीलिंग है। इतनी गर्मी इधर, अंदर तो एसी लगा हुआ है, लेकिन बाहर अभी जब मैं बस से निकले हैं, बस के अंदर एंटर हुए हैं, तब तो कोई हाल नहीं था। अभी चलते हैं एयरपोर्ट ऊपर, फिर आपसे मिलते हैं। वो आ गई हैं, अभी चलते हैं एयरपोर्ट ऊपर। बहुत गर्मी है बहुत, अब पाकिस्तान पता नहीं कितनी गर्मी है लेकिन इधर बहुत गर्मी है। तो अभी अबू धाबी एयरपोर्ट से जी हम फ्लाई करने लगे हैं लाहौर के लिए। तो इधर से वो हमारा जहाज खड़ा, तो इधर भी एक प्रॉब्लम इन्होंने बना दी थी हमें कि पापा का बोर्डिंग पास चाहिए, वो बना के फिर की सिक्योरिटी रूल्स बहुत सख्त है। इनने चप्पलें भी तोड़वाई हैं हमारी, शूज़ भी। सो अभी गेट 33 का है ना, 35 वो आगे है, तो अभी तो जहाज में जाके आप सुनते हैं। अच्छा ये जी हमारा जहाज है जो सीधा पाकिस्तान लेके जाएगा हमें लाहौर, ये सारे पाकिस्तान इधर है। और इस टाइम अभी हम जा रहे हैं जी जहाज में, उधर चेक कर सकते हैं आप। तो इधर हम पाकिस्तानी सुबह पहुंचेंगे जी 2:55 में हमारी फ्लाइट लैंड करनी है, आई थिंक 3:30 बज जाने बाद लाहौर उतर चलते। तो अभी चलते हैं जी जहाज में सीधा पाकिस्तान। अभी जी हम दूसरे जहाज में आ चुके हैं, यश एक अच्छा काम है इस जहाज में, इसमें एलसीडी लगी हुई है, ये चेक करें।
उस पहले वाले में नहीं लगी थी। 15-20 है ना, उधर है ना। और फिर सीधा शाम लोर है जी, लोर। फाइनली जी पाकिस्तान हो चुके हैं लैंड, और जैसे करते हैं अपना बैगेज कलेक्ट और फिर चलते हैं जी सीधा घर। पहुंच चुके हैं जी फाइनली पाकिस्तान। ये हमारा एयरप्लेन था, तो अभी गर्मी का तो नहीं अभी पता लग रहा फिलहाल, लेकिन वो आगे जाके पता लगेगा। लेकिन फाइनली हम लैंड हो चुके हैं जी पाकिस्तान में, और मिलते हैं आपसे बैगेज कलेक्ट करने के बाद। अभी सब जी इधर से करते हैं बैगेज कलेक्ट, और एक्साइटमेंट बहुत है, इधर से भी चलते हैं। अभी जी हो गया सब कुछ, अभी बैगेज कलेक्ट करना और फिर निकलना बाहर। हम आ चुके हैं पाकिस्तान, कासिम भाई है मेरे साथ। कासिम भाई वो इधर खड़े हैं सामान के पास। अभी हम जा रहे हैं जी घर बाइक लेने, क्योंकि सामान हाथ में नहीं आना, वजनी है। अभी हम चल रहे हैं गलियों में। ये ले ले लिया आप दोनों को ब्लॉग। अभी जी फ्रेश 50 रुपये का रिक्शे करवाया है घर सामान लेके जाने के लिए, चेक करें, वरना बाइक भी आना था। तो इस टाइम सारे सो रहे थे। अभी चल रहे हैं जी अपने घर, ये बड़ा घर था और अपने घर उधर है, उधर जाके देखते हैं। हम पहुंच गए जी अपने घर। अभी हम बैठे हुए जी अपने घर में, और मेरे साथ है जी जोहान और ये रिशान। बाय बाय करो, बाय बाय करो। तो अभी जी हम पहुंच गए पाकिस्तान, और शाम का टाइम हो रहा है। बेबी रिशान क्या खा रहा है? बेबी आप मजे क्या? चला भाई लोकल जूतियां देखने हैं। मैं कहा अहमद भाई से आपको अच्छे वाली जूती लेके देते हैं।
भैया आ गए हैं भाई जी इधर, तो अब हम ले रहे हैं जूती, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ये भैया